आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला के अध्यक्ष माननीय विनय गुप्ता जी की गाइडलाइन के अनुसार जम्मू पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में आयुष्मान भारत नाम से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है उसके निमित्त आज एक कैंप लगाया गया है ताकि इसका जो फायदा है सभी आम जनता को हो सके। खासकर वार्ड नंबर 1 के 6 नंबर बूथ और 7 नंबर और 5 नंबर बूथ के लोग आज यहां पर आकर अपना ये कार्ड बनवाएंगे। जान है तो जहान है, ऐसा विचार मन में लेकर मोदी जी ने ये योजना बनाई है कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के बिना औषधि के ना रहे, गरीब से गरीब आदमी का भी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे चिकित्सालय में इलाज हो सके उसके लिए उसकी हर साल 5 लाख की व्यवस्था की गई है। उसमें आज हमारे राजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे जम्मू ईस्ट के महामंत्री हैं, इस कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं जम्मू ईस्ट के विनोद कुमार गुप्ता जी, वो भी हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित हैं। राजेंद्र गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे जम्मू ईस्ट के, अपना सुरेंद्र जी, राजकुमार जी, ज्योति मिश्रा जी, बड़ियाल जी, रतन लाल जी और बाकी सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और अहदेदार हमारे यहाँ उपस्थित हैं। प्रधान सेवक के द्वारा पूरे भारतवर्ष की जनता की चिंता करते हुए जो उन्होंने ये यूनिवर्सल कार्ड बनाने की जो व्यवस्था हमारे बीच में रखी है गोल्डन कार्ड की, जो परिवार पहले आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से वंचित रह गए थे उन परिवारों को लाभार्थी बनाने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पूरी परिवार की खाने से लेके उनके मेडिकल जो व्यवस्था उन्होंने अपने कदम की है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने एक ही उन्होंने संकल्प लिया था, सबका साथ सबका विकास करते हुए सबका विश्वास अपना वादा निभाते हुए सब जनता को साथ लेके आज चल रहे हैं और भारतवर्ष का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद।